हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज मैं करने वाली हूँ गाइस वायरल प्लस हैक और टेक्निक भी बोल सकते हो आप। तो यू कैन सी द इमेज गाइस, तो वही हम लोग आज करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले मुझे लगा लेना है प्राइमर। तो प्राइमर से पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया था अपने स्किन पे। तो प्राइमर एक लेयर बना देगा जिसकी वजह से मेरी स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होगी और मेकअप से ज़्यादा ख़राब नहीं होगी स्किन। तो प्राइमर गाइस बहुत ज़्यादा आ गया मेरे हाथ में, कोई बात नहीं, हम इसको लगा लेंगे फेस पे। और जेल बेस प्राइमर है तो इट्स ओके, चलता है ज़्यादा भी लग गया तो। तो गाइस अच्छे से अप्लाई करके मसाज कर लेना है गाइस। सो ये लुक जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल है और आजकल सब कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी ट्राई कर लेते हैं गाइस। सो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया ये करने के टाइम, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का कैसा। ओके गाइस, सो अभी सबसे पहले हमें अप्लाई कर लेना है, यू कैन अप्लाई एनी शेड लिपस्टिक, अगर आपको ऑरेंज या फिर रेड जो भी कलर का आपको लिपस्टिक अप्लाई करना आप पहले लगा सकते हो। उसके बाद जो ब्लेंडिंग होगी वो फिंगर से अगर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज अगर आप हाथ ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर लेते हो तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट आपका उसमें ही चले जाएगा। तो आप बेहतर है कि आप फिंगर से करो, अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी फिंगर से आपकी। तो गाइस यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा आ गया और मुझे नहीं लगता ये कैमरे में इतना ज़्यादा शो हो रहा है, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा रेड मेरा फेस दिख रहा था। तो बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए आपको कैसे यूज़ करना है, और आपके लिए बहुत इजी और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हुआ बाद में। तो ये देखो और लग गया, इसकी कमी थी, वैसे ही बहुत रेड हो गया तो और लग गया उसमें। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसे ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो अभी ब्लेंड हो चुका है हमारा ब्लश अच्छे से, लिक्विड लिपस्टिक भी, क्योंकि हमें इसमें ब्लश अप्लाई नहीं करना है इसलिए हमें पहले जो लगाना है वो बहुत ज़्यादा लगाना है, उसके बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। तो कंसीलर इम्पॉर्टेंट है आपके डार्क सर्कल और स्पॉट्स को कवर करने के लिए गाइस। तो इसके बाद आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है कंसीलर, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है आपको स्किन प्रॉब्लम है वहाँ पर आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से आप कंसीलर को अप्लाई करके, मैं फिंगर्स के ही ब्लेंड करूँगी बिकॉज सबसे अच्छी जो ब्लेंडिंग होती है वो हैंड से ही होती है। तो गाइस इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है हमको, मैं सिर्फ आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने ब्लश लगाया वहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अंडर आई पे और फोरहेड वगैरह पे अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद हमें जो फाउंडेशन यूज़ करना है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, मैं हमेशा सारी चीज़ें निकाल के रखती हूँ बट एक ना एक चीज़ मिस हो जाती है हमेशा। तो अभी मिरर ओके गाइस, सो इसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो है फाउंडेशन। तो हमें यूज़ करना है लिक्विड फाउंडेशन, आपको फुल कवरेज फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर आप फुल कवरेज यूज़ करोगे तो आपका जो ये जो आपने ब्लश आपने अप्लाई किया है इनसाइड जो लिपस्टिक अप्लाई किया है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, तो आपका वो नहीं दिखेगा। तो गाइस ये टेक्निक बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा बट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इसका जो एंड में जो लुक आया इसका बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो अभी देखिए मैं कितना लाइट फाउंडेशन एकदम कम प्रोडक्ट में लगा रही हूँ, और ये मैंने यूज़ किया लिक्विड फाउंडेशन और ये नायका का फाउंडेशन है, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो गाइस जो मेरा शेड है वो 01 है, जो भी आपके स्किन का शेड है आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करो। तो अभी अच्छे से मैंने इसे अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो जो मेरा ब्लश है वो दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो गाइस एंड में आपको फाइनल दिख जाएगा आपको कैसा लुक क्रिएट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सा पिंक सा शाइन, पिंक सा ग्लो आपको आपके स्किन के अंदर से दिखेगा, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया एंड में। तो फाउंडेशन लगाने के बाद स्किन काफ़ी ज़्यादा ठीक लगने लगी, मतलब ज़्यादा रेडनेस नहीं दिख रहा था और बहुत कम भी नहीं दिख रहा था,
बहुत ही अच्छा दिख रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर लूँगी पाउडर से। और अगर आपको कॉन्टोर की नीड हो तो आपको करना है तो आप कर सकते हो। मैंने कोई कॉन्टोरिंग नहीं करी, जस्ट थोड़ा सा ब्रॉन्जर से मैंने कॉन्टोरिंग की। बस मैं अपने फाउंडेशन और कंसीलर को सेट कर रही हूँ यहाँ पे पाउडर से। आपको पूरे फेस पे अच्छे से सेट कर लेना है पाउडर। आप देख सकते हो अभी भी जो ब्लश है वो दिख रहा है, वो कैमरे में आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा विजिबल हो रहा है, बट एक्चुअल में वो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो गाइस अभी अच्छे से हम लोग अप्लाई कर लेंगे पाउडर को। तो गाइस मैंने इसलिए फिंगर से ब्लेंड किया उसको, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो बहुत ही कम हो जाता है। इसकी वजह से मैंने फिंगर से ब्लेंड किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे रहे मेरे। तो गाइस अच्छे से अभी अप्लाई हमने पाउडर को सेट कर लिया है। तो गाइज इसके बाद हम लोग कर लेंगे अपनी आईब्रोज। तो बेसिकली गाइज मुझे यही वाला लुक करना था, मतलब ब्लश को कैसे अप्लाई कर रहे इनसाइड आपके फाउंडेशन से पहले। और अभी ये बहुत ज़्यादा वायरल है तो इसीलिए। तो गाइज अभी हम लोग आईब्रोज को सेट कर लेंगे, मस्कारा लगा देंगे, लिपस्टिक एंड वी आर डन, और हाइलाइटर ऑफ कोर्स और फिक्सर भी। तो अभी आईब्रोज डन है। तो आईब्रोज के लिए मैंने ये बॉन्जर की आईब्रो पेंसिल यूज़ किया। इसके बाद मैं मेकअप फिक्सर से अपने फेस को सेट कर दूंगी। ये स्विस ब्यूटी का फिक्सर है और इसे थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे जहाँ भी आपको ग्लो चाहिए। तो गाइज अभी हाइलाइटर को अप्लाई करने के बाद मैं जस्ट इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी अपने ब्लश के साथ, बिकॉज हमने ऊपर से कोई ब्लश ऐड नहीं किया। आप देख सकते हो पूरा वीडियो आपके सामने है, मैंने ऊपर से कुछ भी नहीं लगाया। जो है प्रोडक्ट मैंने पहले लगा लिया था ब्लश। और आपको क्वांटिटी ज़्यादा लगानी है ब्लश की, और आपको फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं यूज़ करना। आपको यही बात का ध्यान रखना है, अगर आप फुल कवरेज यूज़ करते हो तो आपका ब्लश वो जा भी सकता है, मतलब विजिबल नहीं होगा। तो यस गाइज, सो वी आर डन। अब मस्कारा लगा के एंड लिपस्टिक, वी आर डन। तो गाइज हमारा लुक यहाँ पे होता है कंप्लीट ऑलमोस्ट। तो गाइज फाइनली वी आर डन। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग ट्राई करो कि आपका, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बहुत ही अच्छा नेचुरल पिंक काइंड ऑफ ग्लो दिख रहा है स्किन पे। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आने वाली कौन सी वीडियो आपको देखनी है किस चीज़ के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक शेयर, बाय।